I am Randhir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira. We are theatre artists with spirits of an adventurer. As a stray, we travel. And as an artist, we live. We are the Stray Artists. Hello guys. Welcome to Stray Artist. This is Randhir Pratap Singh. And this is Komal Singh Sira. And we are back with another episode. And this is our day 2 in Jaipur. And in this one, we are going to explore the Amer Fort. हम इस बार इस वीडियो में ब्यूटीफुली आपको ये फोर्ट दिखाना चाहते हैं एक डिफरेंट तरीके से। तो आओ फिर फोर्ट घूम कर आते हैं। Was built by Raja Man Singh in 1592 and it was renovated and expanded by Raja Jai Singh and Amer Fort ko Amer Palace bhi kaha jata hai Amber Fort bhi kaha jata hai ye 11 kilometers hai Jaipur ki city se it used to be the capital of Rajasthan Amer Fort ko red sandstone aur marble se banaya gaya tha एंड ये हमारे पीछे जो माउथा लेक है ये इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है आमेर के अंदर काफ़ी सारे खूबसूरत स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि शीश महल दीवाने आम सुख महल और एक है गणेश पोल जो कि एक गेट है जिसके बाद सारे किंग्स के प्राइवेट पैलेसेस आ जाते हैं फोर्ट के अंदर फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और फोर्ट की मेन एंट्री होती है सूरज पोल से जिसका मतलब होता है कि द सन गेट और जैसे कि सन यहाँ पे बहुत तेज हो रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा फोर्ट है तो ये बाहर से देखने पर बहुत पुराना लगता है लेकिन अंदर से ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और इसके अंदर के जो पैलेसेस और स्ट्रक्चर्स है वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है दिस फोर्ट ऑल्सो स्टूड अगेंस्ट द टेस्ट ऑफ टाइम एंड इसके स्ट्रक्चर्स इतने ज्यादा इन्वेजन्स और इतने ज्यादा वक्त के बाद भी इंटैक्ट है और ये काफी अच्छी कंडीशन में है एंड इट इज सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल अरावली हिल्स Amer Fort has several noteworthy attractions, but the Shisha Mahal is probably the most beautiful and popular one. Its name translates to the Palace of Mirrors. The beauty of this place lies in the fact that even if a petite ray of light enters it, it naturally lightens up the whole palace while reflecting in all the other mirrors, forming unbelievably magnificent pattern like thousands of stars in the sky.
This is possible with the small convex mirrors and colored glasses embellished in the walls and ceiling of Shisha Mahal. Raja Man Singh had 12 queens, so he made 12 rooms, one for each queen. Each room had a staircase connected to the king's room, but the queens were not allowed to go upstairs. The staircase was only to be used by the king in order to visit the queen he wanted to meet, built in such a manner that no other queen could get a clue of his visit. ये पुराना जयपुर है, हजार साल पुराना गांव है। पहले इतना सा जयपुर था जो देख पा रहे हैं आप। इस जगह पे 365 मंदिर है। भूलभुलैया मूवी देखा अक्षय कुमार? हाँ। धड़क मूवी देखा, उसका शूटिंग हुआ था। और ये बाउंड्री है 12 किलोमीटर का, महल की सुरक्षा के लिए बनी हुई है, पूरा आमिर को कवर कर रहा है। वो जयगढ़ फोर्ट आर्मी रहती थी। The small windows on the top level of Suhag Mandir were made in such a way that they became binoculars for the women of the royal family, making them able to take the splendid view of the events that used to happen in Diwaneya. सांगानेरी ब्लॉक पॉइंट है, ये पूरा ब्लॉक का काम किया जाता है। इसी कलर से जितना भी आर्ट बनाना बनाया जाता है, रंग ब्लॉक की सहायता से पेंट करके सेम करता है। कोई स्क्रीन पेंटिंग नहीं है, कलर जो भी देख रहे हैं नेचुरल है। हरा कलर खाने का, पालक मेथी हरा धनिया पत्ता, इसमें पीला कलर कच्चा हल्दी नींबू पाइन एप्पल का जूस नींबू से अच्छा उसके उससे अरे उसके उससे करते होंगे फाड़ियाँ सर कैसे वॉश को लो, कलर नहीं जाएगा पेंटिंग।
ये किला देख रहे हो आप, ये राइट ये वाला सामने, हाँ ये राजा भारमल का है, 1000 साल पुराना है। जो आप खड़े हैं ये 450 साल राजा मानसिंह द्वारा बाद में बनाया। पहले ये किला था जो टूट गया, आगे पूरा डैमेज हो गया, तो ये पुराने खंडर टूटे हुए अब खाली कर दिए, इनकी जगह जो पूरा टूट गया नया बना लिया, इसको तोड़ के बनाना ला उन्होंने, इसलिए जब तक ये है इतना ही। दोस्तों ये था द ब्यूटीफुल आमेर फोर्ट। वी होप आपको हमारा ये सिंपल ये डिटेल टूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।